अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तारिक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ओरेकल 11G के ऊपर किसी फील्ड के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट किस तरह कर सकते हैं किसी कॉलम में। आइए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ गाइड कर देता हूँ। जैसे कि माई एसक्यूएल के ऊपर हम ऑटो इंक्रीमेंट को टेबल क्रिएट करते वक्त अप्लाई कर सकते हैं। एसक्यूएल लाइट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ओरेकल 11G के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते टेबल क्रिएट करते वक्त। इसका एक तरीका ये होता है, सबसे पहले हमें एक टेबल क्रिएट कर लेना होता है, उसके बाद हमें सीक्वेंस को क्रिएट करना होता है। जब हम किसी सीक्वेंस को क्रिएट कर लेते हैं, जब हमने वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो हम उस सीक्वेंस के जरिए वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। जो सीक्वेंस हम क्रिएट करते हैं उसका तरीका ये होता है कि हमें उसमें बताना पड़ता है हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, इंक्रीमेंट कितने का होना चाहिए। उस हिसाब से जब भी हम डाटा इंसर्ट करते हैं हमारे अंदर ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है। जितनी वैल्यूज हम ऐड करते हैं उसके अंदर उतना ही इंक्रीमेंट होता रहता है। फॉर एग्जांपल, एक वैल्यू मेरे पास 1 है, स्टार्टिंग मैंने 1 से किया है, दोबारा मैं वैल्यू ऐड करता हूँ, जब मैं दोबारा वैल्यू को ऐड करूँगा इंक्रीमेंट मेरे पास 1 का होगा। नेक्स्ट ऐसे ही मैं कहता हूँ कि एक सिक्वेंस मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ, जो सिक्वेंस स्टार्ट मेरी हो रही 10 से और उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है 20 का, जब मैं किसी वैल्यू को ऐड करूंगा सबसे वैल्यू 10 आएगी, दोबारा जब इंटर करूंगा तो नेक्स्ट वैल्यू 30 आएगी। आइए चलते हैं, सबसे पहले एक टेबल को क्रिएट करते हैं जिसका नाम स्टूडेंट 1 है, जिसके अंदर सिर्फ दो ही फील्ड एग्जिस्ट करती है, एक आईडी जिसकी डेटा टाइप नंबर, ये मेरी प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब आपको पता होता है, इसके अंदर यूनिक वैल्यूज आती है और नल नहीं हो सकती, ना ही कोई रिपीटेड वैल्यूज आएगी। अभी मेरे पास दूसरी फील्ड नेम की है जिसकी डाटा टाइप वारचार 2 और लेंथ 20 है। मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम एक सीक्वेंस को क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस को क्रिएट करने का सिंपल मेथड यही है कि सबसे पहले हमें क्रिएट लिखना है, क्रिएट का कीवर्ड। क्रिएट लिखने के बाद क्या चीज क्रिएट करनी है, मुझे सीक्वेंस क्रिएट करना है, मैं डायरेक्ट सीक्वेंस लिखूंगा। सीक्वेंस के बाद सीक्वेंस का नेम, मैं सीक्वेंस का नेम स्टूडेंट 2 कर देता हूँ। इसके अंदर मुझे क्या करना है, तो मेरी वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, कि जब भी मेरा कोई डाटा इंटर हो उसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो, स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से, स्टार्ट विद 1। उसके बाद इंक्रीमेंट कितने का हो, इंक्रीमेंट 1 का हो। कैशी, कैशी हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमारी डाटे के जब हमारी वैल्यू ऐड होती है तो कितनी तेजी से इंक्रीमेंट होता है। आइए मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं एक सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट मैं आपको डाटा एंटर करके दिखाता हूँ। मुझे सबसे पहले एक इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर मुझे बताना है कि मुझे कौन कौन सी वैल्यूज को ऐड करना है। सिंपल मेरे पास दो ही कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, एक आईडी का और एक नेम का। मैं सिंपल क्वेरी लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 कौन कौन से कॉलम्स है, आईडी और नेम। मैं कहता हूँ आईडी के अंदर मेरा ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। मैं सिंपल ये करूंगा कि जिस नेम से मेरा सीक्वेंस क्रिएट है मैं वो नेम यहाँ लिख दूंगा स्टूडेंट 2। अब मैं यहाँ सिंपल लिखूंगा नेक्स्ट वैल्यू, कोमा डाल के इधर मैं लिख देता हूँ नेम मोहम्मद तारिक। क्या ये क्यूरी मेरी एग्जीक्यूट होगी? जी हाँ, ये मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। आप देख सकते हैं एक रो इंसर्ट हो चुकी है। आईडी तो मेरी प्राइमरी की है, क्या ये दोबारा रो इंसर्ट होगी? जी, ये रो दोबारा इंसर्ट होगी। ये रो क्यों इंसर्ट हुई है दोबारा? ये स्टूडेंट 2 डॉट नेक्स्ट वैल्यू मैंने यूज किया है। ये स्टूडेंट 2 मेरा एक सिक्वेंस का नेम है। सिक्वेंस का नेम मुझे ये कहता है कि जो मेरी वैल्यू है स्टार्ट हो रही 1 से। अगर मैं इस क्यूरी को दोबारा इंसर्ट करने करूंगा डाटे को, तो मेरा इंक्रीमेंट कितने का हो, 1 का, कितनी स्पीड से हो, 10। आप देख सकते हैं ये क्यूरी कितनी स्पीड से मेरी एग्जीक्यूट हो रही है। आइए चेक करते हैं क्या मेरा वाकई ही डाटा इंसर्ट हुआ है और क्या उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है 1 का। मैंने 3 दफा अपने डाटे को इंटर किया है। आप देख सकते हैं मेरा डाटा इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किसी सीक्वेंस को ड्रॉप किस तरह से कर सकते हैं। मैं सिंपल लिखूंगा ड्रॉप सीक्वेंस, सीक्वेंस का नेम, मेरे पास सीक्वेंस का नेम क्या है, स्टूडेंट 2 है।
आप देख सकते हैं ये मेरा सीक्वेंस ड्रॉप हो चुका है। नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि मेरे पास दोबारा से स्टूडेंट टू के नेम पे एक सीक्वेंस क्रिएट किया जाए जिसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो 10 से, इंक्रीमेंट कितने का हो 20 का। क्या ये मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी? जी हाँ, मेरा दोबारा से एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं दोबारा से इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या ये मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी? सोचे, जी हाँ ये मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। ये क्यूरी इस तरह एग्जीक्यूट होगी कि पहले वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी, अब वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है। अभी मेरे पास तीन वैल्यूज टेबल में एग्जिस्ट कर रही है जिसकी आईडी है 1, 2, 3 एंड 10। मैं दोबारा इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास एक आईडी आ जाएगी और जो होगी 30। आइए टेबल में चेक करते हैं कि ये चार वैल्यूज एग्जिस्ट करती है 10, 1, 2, 3, 10 एंड 30। आप देख सकते हैं ये वैल्यूज टेबल में एग्जिस्ट करती है 1, 2, 3, 10 एंड 30। मैं दोबारा से सीक्वेंस को ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ वन बाय वन करके। अगर हमने ओरेकल 11g को ऊपर किसी सीक्वेंस को क्रिएट करना हो तो उसका सिंटैक्स ये है। उसके बाद अगर हमने MySQL के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट की फील्ड को अप्लाई करना है तो उसका सिंटैक्स आपके सामने स्क्रीन पे शो कर दिया गया है। नेक्स्ट, अगर हमें अल्टर की क्यूरी के जरिए ऑटो इंक्रीमेंट किसी फील्ड पे अप्लाई करना है तो उसका सिंटैक्स भी आपके सामने शो कर दिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।